इंस्टाग्राम पर रील बनाना पड़ा मां बेटी को भारी, बना हत्या की वजह। शक के चलते पति ने फावड़े से पत्नी और बेटी को काट डाला। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें रिक्शा चलाने वाले पति ने अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि मामले की वजह इंस्टाग्राम पर रील बनाना और पत्नी और बेटी का ग्लैमरस लुक है। नमस्कार, मैं हूं अंशु, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक रिक्शा चलाने वाले पति ने अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसे उसकी पत्नी और बेटी का इंस्टाग्राम पर रील बनाना पसंद नहीं आया, उसे उनका ग्लैमरस लुक पसंद नहीं आया। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला मामले की वजह इंस्टाग्राम पर रील बनाना है, पत्नी और बेटी का ग्लैमरस लुक है। रिक्शा चलाने वाले पति को शक था कि पत्नी का नोएडा में अफेयर भी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रिक्शा वाले की पत्नी के मॉडल लुक को लेकर आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें बनाते थे, सवाल उठाने लगे थे और इसी वजह से पति पत्नी के बीच रोज लड़ाइयां होने लगी। गुरुवार रात को भी इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ तो उसने पत्नी और बेटी की फावड़े से गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार कर चुकी है। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में 30 सितंबर को सदीक नगर में शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे रेखा पाल, जिसकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, और बेटी ताशु उम्र 15 वर्ष के शव घर में पड़े मिले। सनसनी मच गई। रेखा की लाश फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में और ताशु की छत पर थी। पुलिस ने मामले में रेखा के पति संजय पाल को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो वो हत्या करने की वजह पर पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। पुलिस पूछताछ में संजय पाल ने बताया कि रेखा से उसकी शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। पहले वो घर के नीचे ही कन्फेक्शनरी की शॉप चलाता था। उसका कहना है कि कोरोना में उसकी दुकान बंद हो गई, जिसके बाद वो घर चलाने के लिए ई रिक्शा चलाने लगा। उसने बताया उसके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। एक घर में होने के बावजूद उसका कहना है कि वो दोनों अलग अलग रहते थे। पुश्तैनी घर में वो ग्राउंड फ्लोर पर और पत्नी फर्स्ट फ्लोर पर कमरे में बेटी के साथ रहती थी। पुलिस के मुताबिक जिस मकान में वारदात हुई यहां सिर्फ संजय पाल, पत्नी रेखा, बेटी और बेटा ही रहते थे। नजदीकी एक दूसरा मकान है जहां पर संजय के मां बाप भी रहते थे। वारदात के वक्त संजय का बेटा अपने दादा दादी के घर पर गया हुआ था, वो 12वीं क्लास में पढ़ता है। उसके जाते ही संजय को पत्नी और बेटी को मारने का मौका मिल गया था और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में यह भी बताया कि उसकी पत्नी पहले नोएडा में नौकरी करती थी, कोरोना की वजह से नौकरी चली गई थी। नौकरी नहीं होने पर वो अक्सर कुत्ते को घुमाने के लिए नोएडा जाती थी, ये बात उसको पसंद नहीं आती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने संजय से कहा कि उसकी बीवी कैरेक्टर की अच्छी नहीं है और उसने उनकी बातों पर भरोसा किया। संजय का शक धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो वो पत्नी का पीछा भी करने लगा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि एक बार रेखा का नोएडा तक पीछा किया। वो वहां एक नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में जाती थी। संजय ने भी दावा किया कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने भी रेखा के वहां आने की बात बताई। पत्नी से कई बार पूछने पर भी नहीं मिला था कोई जवाब। जी हाँ, रेखा से संजय ने कई बार पूछा कि वो कौन है जिससे वो मिलने के लिए जाती है, पर उसने कभी कुछ नहीं बताया। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है संजय खुद अब बचने के लिए बार बार बयान बदल रहा है। इस वजह से उसकी कहनी कितनी सही है, उसका कहना कितना सही है, ये तो जांच के दौरान ही देखा जाएगा। पुलिस ने बताया कि रिक्शा चलाने वाले संजय का शक तब और बढ़ गया जब उसने अपनी पत्नी और बेटी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। इंस्टाग्राम पर रेखा के 959 और उसकी बेटी ताशु के 1255 फॉलोअर्स थे। बेटी ताशु भी अपनी मां रेखा के साथ ज्यादातर रहती थी, इसलिए संजय को उस पर भी शक हो गया था। और 29 सितंबर की रात भी घर में इसी बात को लेकर विवाद हुआ। 30 सितंबर की सुबह 4 बजे संजय उठा, फावड़ा लेकर सोती हुई रेखा के गले पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, फिर तकिए से तब तक मुंह दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल संजय पुलिस की गिरफ्त में है। तो आपका इस पूरी घटना पर क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और हाँ, शक की कोई भी दवा नहीं होती, गलतफहमी एक बेहद भयानक रूप ले सकती है, जो कि आपने अभी हमारे चैनल पर देखा। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। नमस्कार।